Traffic is now a big crisis in Jammu, and this has been assured by the High Court order, wherein it has stated that all the vehicles wrongly parked on the roads should be seized and be taken away by the traffic police. Now, today we go out and see how much the city is prepared, which is being tried to be made as a smart city. Here we are at the JMC office. You can see big flexes which are stating that Jammu will be a big city. Let's see how much the city is prepared for becoming a smart city. A recent High Court order has said that all the wrongly parked vehicles should be lifted. Now we believe that some kind of responsibility has come on the authorities like JMC, which are maintaining and building up new parking spaces. Let's see how they plan and cater to the Jammu people. I have with me R.S. Jimbal, who is a joint commissioner, and I'll be asking him certain things, how the authority will now work over this issue. जिम्बाल साहब, मेरा ये आपसे ये कहना है कि इस ऑर्डर के बाद जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है गाड़ियाँ उठानी चाहिए, क्या आपको लगता है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको भी दिखानी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी स्पेसेस बिल्ड की जाएं? हाँ, जैसा कि आपने बताया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जेएमसी की आती है, क्योंकि सिटी को मैनेज करना जेएमसी का काम है, लेकिन जम्मू शहर में मल्टीपल सिटी ऑफ एजेंसीज हैं, तो डिफरेंट एजेंसियाँ काम कर रही हैं। जहाँ तक पार्किंग का सवाल है, तो उसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े उस पर काफ़ी फोकस एरिया हमारा, जैसे आपको पता होगा कि पंचतीर्थी में एक 250 गाड़ियों की पार्किंग का एक प्रोजेक्ट हमारा थ्रू हो गया है, जल्दी उसमें काम शुरू होने वाला है। एक पार्किंग हमने पीरखो, जो आपने देखा होगा सर्कल रोड पे, काफ़ी गाड़ियां सड़कों पे खड़ी होती हैं, लोगों को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सड़क तंग है, तो वहाँ एक हमारा पीरखो में एक पार्किंग प्रोजेक्ट है। और आपने देखा होगा हरिसिंगा जो पार्क बना, उसमें एक GDA ने पार्किंग बनाई है, उसको मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का एक प्लान है गवर्नमेंट का। और बस स्टैंड पे GDA एक बहुत बड़ी मल्टी टायर पार्किंग बना रही है 6 स्टोरी, उसका आपने देखा काम शुरू हो गया है, क्योंकि उसकी 1350 गाड़ी की पार्किंग है, 1350 छोटी गाड़ी कार्स, जो भी लोग शहर में जाना चाहेंगे वो गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे, रोनाल बाज़ार या जितने भी इंटरनल सिटी में वहाँ से वो पैदल जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल ऊपर है, तो वहाँ सुपर स्पेशलिटी में बहुत बड़ी पार्किंग बन रही है। और सिटी के बीचों बीच जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, वो आप सुपर बाज़ार में एरा की तरफ से बहुत बड़ा पार्किंग प्रोजेक्ट है, जो कि अभी नियर कम्प्लीशन स्टेज पे है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का और गवर्नमेंट का ये ध्यान ही इसी पार्किंग पर रहा है, तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पार्किंग स्पेस हम डेवलप करेंगे, जिससे कि लोग गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं खड़े करेंगे और हाई कोर्ट का ऑर्डर प्रॉपरली उसमें इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिलेगी। जिन प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पार्किंग, क्या वो सारे टाइमली चल रहे हैं? हाँ, वो टाइमली चल रहे हैं, कुछ कईयों पे काम शुरू हो गया, जैसे आपको देखो बस स्टैंड पे काम शुरू है, इसका सुपर बाज़ार का नियर कम्प्लीशन है, तो जो ये पंचतीर्थी का प्रोजेक्ट है हमारा अभी शुरू होने वाला, फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक में हम रख देंगे, तो जो पीरखो वाला है उसकी जो है हमारा DPR स्टेज पर, DPR उसकी थ्रू होगी, तो उसका भी जल्दी काम शुरू कर देंगे, तो ये ऑलमोस्ट हमारे सिमिलरली चल ही रहे हैं। हमने एक चीज़ और नोट की है, जैसे रेजिडेंसी रोड जैसा जो इलाका है जहाँ आपकी पार्किंग है, एक तरफ हाई कोर्ट कहता है कि सड़क पे कोई गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ रेजिडेंसी रोड के लेफ्ट हैंड साइड या आप जब जाते हैं CM हाउस की तरफ राइट हैंड साइड पे आप सारी पार्किंग उस रोड को यूज़ करें, तो आपको नहीं लगता कहीं पे आप भी फैसिलिटेट कर रहे हैं रोड ऑक्यूपाई करने के लिए? बेसिकली आपने देखा हो कि रोड ऑक्यूपेसी जम्मू में नेगलेजिबल है, ये उस ज़माने की पार्किंग है जिस ज़माने ये काफ़ी रोड खुली थी और 6 महीने इस रोड पर प्रेशर कम होता है। ये ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए एक वे बनाई थी, ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए, कंजेशन के लिए नहीं, तो वो भी टेम्परेरी है, जब ये पार्किंग हमारी बन जाएगी तो ये शिफ्ट हो जाएगी, ये टेम्परेरी फेज हमारी, जस्ट टू रेगुलेट द ट्रैफिक। तो मुझे तो ये लगता है जी कि जैसे ही ऑर्डर आया आपको अपने पार्ट पे ये जो ऐसी जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी वजह से सड़कें ऑक्यूपाइड दिखती हैं वो हटा देने चाहिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं, मैंने कहा नेगलिजिबल है, पूरे जम्मू में जितनी पार्किंग लॉट्स हैं वो बकायदा डेजिग्नेटेड है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि ट्रैफिक रेगुलेट करने में, क्योंकि वहाँ ये मार्केट है, तो अक्सर देखा गया है कि मार्केट के लोग वहाँ गाड़ियाँ करते थे, खड़े कर देते थे और वो पूरा दिन खड़ी रहती थी, फिर वो पुलिस ने एक फैसला लिया था कि ताकि ये लोग आएँ और चले जाएँ, आए वो टेम्परेरी
फेज है, वो टेम्पररी फेज है, वो हो जाएगी क्लियर। नहीं, ये आप तब की बात करें जब कोई ऐसा हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं था। अब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, ऑर्डर कहता है सड़क पे कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, तो आप वहाँ से पार्किंग आपको वहाँ से वो हटानी चाहिए, कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है आपके मैक्स में? उसमें हम देख रहे हैं उसमें, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद वहाँ उसके आगे एक ना पार्किंग डेवलप हो रही है थोड़े आगे जाके, तो जूं ही वो पार्किंग जो शुरू होगा ना तो ये हम उठा लेंगे, क्योंकि ये टेम्पररी है, दिस इज ओनली टेम्पररी। एक चीज़ और नोटिस की गई है हमारी तरफ से कि जो आप पार्किंग चार्जेस आपके कॉन्ट्रैक्टर्स ले रहे हैं उनके चार्जेस में वेरिएशन है, स्लिप पे कुछ और लिखा होता है और वो कलेक्ट कुछ और करते हैं, क्या ये आपके नोटिस में है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास पार्किंग है ही कोई नहीं, एक छोटी सी पार्किंग है, बाकी पार्किंग सारी जीडीए मैनेज करता है, उसका बारे में बता नहीं सकता। हमारे पास सिर्फ एक पार्किंग है, बड़ी छोटी सी पार्किंग है, हमें पता सर वो हमारे पूरे कंट्रोल। कहाँ पे है वो, कौन सी? ये आप बोल जो सड़क वाली पार्किंग है ना टेम्पररी, ये भी पुलिस के कहने पे की है, इन दिनों पिछले 6 महीने पहले की थी, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का बड़ी कंजेशन होती थी, तो जो पुलिस ने खुद रेगुलेट करने के लिए उनके साथ मिलकर की थी हमने, तो ये टेम्पररी फेज है, हम इसको कभी भी ठीक कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली क्या रेट्स है, टू व्हीलर के लिए क्या लेते हैं और थ्री फोर व्हीलर? इनका जो होता है इनका टाइम स्लॉट के हिसाब से होता है, टू व्हीलर का वहाँ ज़्यादा लगते छोटी गाड़ियाँ उनका घंटे के हिसाब से होता है। क्या लेते हैं वो एक घंटे का, कुछ आपके नॉलेज में है? इसमें मेरे को ज़्यादा डिटेल में है मेरे पास पड़ी, इस समय मुझे पता नहीं है, लेकिन मतलब 10 रुपये होगा मुझे लगता है। हमने कई बोर्ड देखे, इनफैक्ट आपकी एंट्री गेट पे एक बोर्ड लगा है, उसमें पार्किंग का रेट 20 रुपये लगा, लेकिन जो हम गोल मार्केट आपका एक बोर्ड देख के आए हैं हंगरी हॉप के सामने, उस पर 10 रुपये। नहीं, वो क्यों वेरिएशन है? नो, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, मैंने कहा हमने पार्किंग खत्म कर दी रोड साइड, वो उस जमाने का बोर्ड था जब हमने पार्किंग शुरू की थी, वो हमने बंद कर दी, वो तो डेट अब आप कोई पार्किंग के लिए नहीं, नहीं कर, मतलब नहीं, हम लोगों से कहें कि कहीं पे भी जीएमसी की पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट जर्सी रोड, बाकी कहीं नहीं, बाकी कहीं पे जीएमसी पार्किंग पर्ची नहीं ले नहीं रहे हम, जेडीए के पास पार्किंग है, बहुत पार्किंग है, उसकी अल्टरनेटिव उनकी है पार्किंग लॉट है, इसलिए मल्टी स्टोरी बना रहे हैं ना जगह जगह, क्योंकि उससे मल्टी स्टोरी में ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, जीएमसी के ऐसा अच्छा पार्किंग कर रहे हैं। एक आपके महकमे पे ये भी एलिगेशन लगती है कि जब आप बिल्डिंग परमिशंस देते हैं तो आप उनसे कोई अंडरटेकिंग या कोई ऐसी चीज़ को इंश्योर नहीं करते कि उनके पास पार्किंग स्पेस है या नहीं है, और जब वो एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, जब किसी ने वो स्ट्रक्चर बनाया तो लोग वहाँ आएंगे, और जब लोग आएंगे तो वो गाड़ियों पर आएंगे, क्या आपको लगता है आप भी कहीं पर ही इस क्राइसिस को फैसिलिटेट करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपको ये मिस्टेक नोशन है, क्योंकि जो भी नक्शा पास हुआ बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से होता है, बिल्डिंग बायलॉज में लिखा होता है कि किस कम्प्लेक्स में कितनी पार्किंग हो, उसके बिना होता नहीं, जैसे आपके सामने इतना बड़ा कम्प्लेक्स रेडिसन होटल बना, पार्किंग लॉट था तभी हुआ पास, ऐसे होता नहीं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक बोका कमेटी होती है, उसमें वो 8 एजेंसीज होती है, 8 डिपार्टमेंट होते हैं, हर से NOC मिलती है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें ट्रैफिक पुलिस की भी NOC ली होती है, ऐसे नहीं होता। हमने ये देखा है जब हम पंजाब जाते हैं, नेबरिंग स्टेट्स में जाते हैं, जो वहाँ के पार्किंग लॉट्स हैं उनके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, वो 5-5 रुपए तक लेते हैं, तो आपको लगता है कि रेट्स जो जम्मू की जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं रेट इतने कम कर देने चाहिए ताकि लोग इंड्यूस हो सकें और आके पार्किंग में गाड़ियाँ? बेसिकली आप प्रॉब्लम को ध्यान से समझना चाहिए, मतलब रेट की बात तो अलग है, अभी तो पार्किंग लॉट बने नहीं है, जब जब बनेंगे तो फिर जो रेट की बात भी होगी, अभी तो जो वी आर इन इन्फेंसी स्टेज, जब से ये पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान दिया, पहले पार्किंग की तरफ तो ध्यान ही नहीं था, तो जो ही ये पार्किंग लॉट बनेंगे तो ये सारा सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो आप शायद उस टाइम ध्यान में रखेंगे, पूरा ध्यान में सस्ते रेट्स रखे जाएं ताकि लोगों को जेब पे भारी ना लगे और वो गाड़ी पार्किंग में लगाना में बेहतरी समझे। हाँ, ये सिस्टमेटिक होगा, क्योंकि ये सिस्टम एक डेवलप होगा ना, क्योंकि ये लोगों की फैसिलिटी के लिए है, तो उसके लिए थोड़ा सा लोगों को पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है रेट फिक्सेशन का, एरिया के हिसाब से रेट फिक्स होते हैं, ये सारे पार्किंग ट्रैफिक कंजेशन ये सारे लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं सारे, तो ये सारा गवर्नमेंट की तरफ ध्यान है। आपको जैसे पता होगा कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा रोड्स पे बड़ी कंजेशन होती है, कोई बस स्टॉप नहीं, अभी हमने पीपी मोड में 50 बस शेल्टर बना रहे हैं जम्मू शहर में, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जहाँ वो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप हो जाएंगे, फिर बस वहीं रुकेगी, तो आप देखेंगे उससे काफ़ी 30-40% जो है ना जो कंजेशन दिखाई देती है नहीं होगी, उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया, 1 साल में वो बन जाएंगे, उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा, एक तो पार्किंग लॉट बनेंगे, बस स्टैंड डेजिग्नेट होंगे, साथ में गवर्नमेंट का और भी प्लान है फ्लाई ओवर या अल्टरनेट रोड का, तभी ये समस्या हल होगी। सो दिस वाज जॉइंट कमिश्नर, ही हैज हाईलाइटेड हाउ मेनी प्लान्स द जीएमसी हैज, बट ओनली टाइम विल टेल वेदर दीज प्लान्स विल बी एग्जीक्यूटेड टू हेल्प द जम्मू पीपल।
Now we are at the JDU office, another authority which somewhere manages the parking space in Jammu. I have with me Rajesh Kumar Chavan, Vice Chairman JDU. Let's hear from him what all plans the department has to cater to the people who are already suffering because of the traffic crisis, and most importantly, after the High Court order which has stated that all the vehicles wrongly parked should be lifted. Now people are in a dilemma as they have a car but don't have a parking space. Welcome to the talk. Thank you. क्या है कि जो मैंने अभी बात कही, लोग कहते हैं उनके पास गाड़ी है पर जम्मू शहर में गाड़ी लगाने की जगह नहीं. क्या प्लान्स हैं आपके डिपार्टमेंट के कुछ शेयर कीजिए. देखो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैंने तो जस्ट 15 दिन पहले ज्वाइन किया है, लेकिन 15 दिन के अंदर ट्रैफिक के बारे में जो रिव्यू यहाँ किया गया है, गवर्नमेंट बड़ी कीन है इसके ऊपर. और हमारा जेडीए ही आपका जो बस स्टैंड है जम्मू का, वहाँ पे मल्टी टायर पार्किंग जो है बन रहा है और इस पे काम ज़ोरों से चल रहा है. तो आने वाले वक्त में 1.5 साल के अंदर अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वहाँ 1400 से 1500 गाड़ियाँ जो हैं वो छोटी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी उसकी. उसके अलावा हो सकता है कोई 2 या 2.5 महीने के अंदर आपका रघुनाथ बाज़ार वाला पार्किंग वहाँ भी तैयार होने जा रहा है, जो इरा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ भी ट्रैफिक कंजेशन जो रिमूव हो जाएगी और वो वाला जो पार्किंग होगा वो जेडीए बाद में उसको मैनेज करेगा. एक्चुअली कुछ और भी चीज़ें हमारे नोटिस में आई हैं, जो पीपल्स जम्मू के जो हैं वो एलिगेशंस लगाते हैं कि जो आपके कंट्रैक्टर्स हैं वो कई बार ओवर चार्ज करते हैं, स्लिप पे कुछ और रेट मेंशन होता है और दे आर बीइंग ओवर चार्ज. जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि भैया ये क्या है, तो जैसे कि ये पुराना स्टेशनरी है, नया रेट्स ये है, तो लोग तो उस टाइम वेरीफाई नहीं कर पाते. कुछ आप उनको बताएंगे कि कैसे वो इस चीज़ को काउंटर करें जब उनके साथ ऐसा गलत चार्ज किया जाता है. देखिए ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी. अब आज ही मैंने रिव्यू लिया है, जो भी जेडी की पार्किंग है चाहे वो बहु प्लाजा में है या परेल हर कॉम्प्लेक्स पे है, तो इसमें देखा जाएगा कि पार्किंग जो है, जो भी टर्म्स कंडीशन है वो स्ट्रिक्टली जो है इन्फोर्स किया जाएगा. इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने कुछ स्टे ले रखा है, तो हमने ऑब्जेक्शन फाइल कर रखे हैं हाई कोर्ट में और अपने जो हमारे वकील हैं उनको हदायत की है कि इसको कोशिश की जाए कि कोर्ट के सामने स्टे हमारा जल्दी वैकेट हो जाए. और एक यहाँ पे हम अपने एक क्रिएट करेंगे एक सेल कि ऐसी कोई भी शिकायत जब आए तो तुरंत उसका एड्रेसल किया जाए. ये तो सब एक रूटीन प्लान्स थे जो आपका डिपार्टमेंट रूटीन में करता आ रहा और करता भी रहेगा. क्या आपको लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब थोड़ी बड़ी है जब हाईकोर्ट ने एक नया ऑर्डर निकाला है और जिसमें लोग फीलिंग इन अ क्योस, दे आर फीलिंग क्योस कि गाड़ी है कहाँ लेके जाएँ, तो मुझे लगता है अब आपको एडिशनली काम करना पड़ेगा. श्योर, इसमें जब हाई कोर्ट ने अगर जिम्मेवारी दी है या ऑर्डर्स किए हैं, हमारा सबका फ़र्ज़ है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए. और इसके ऊपर जो हमारा रोल होगा जेडीए का, हम इसमें जो मास्टर प्लान के हिसाब से नया मास्टर प्लान आ गया है 2017 में मार्च में वो अप्रूव हो गया है, इसके मुताबिक जो भी यहाँ डेवलपमेंट होगी जम्मू में, तो कार पार्किंग या आपका जो बस स्टैंड है इनको मद्देनज़र रखा जाएगा, उसी तरीके से परमिशन लोगों को दी जाएगी. जम्मू में स्मार्ट सिटी की भी बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है बिना पार्किंग स्पेसेस के एक सिटी स्मार्ट बन सकती है? देखिए स्मार्ट सिटी जो है, इसलिए तो स्मार्ट सिटीज़ को बनाना है, तो स्मार्ट सिटी के लिए जो न्यू हमारा मास्टर प्लान है, तो मास्टर प्लान के हिसाब से ही यहाँ परमिशन बोका परमिशन दी जाएंगी और इसमें कोशिश की जाएगी कि स्मार्ट सिटी बन जाए, जो गवर्नमेंट का सपना है. ज़रूर हमें उम्मीद है गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सीरियस काम कर रही है. एक और हमें सजेशन मिला लोगों का, ये कहना है कि जो पार्किंग रेट्स हैं वो नॉमिनल होने चाहिए, जैसे एडजॉइनिंग स्टेट्स में जो रेट्स हैं बड़े नॉमिनल होते हैं 5 से 10 रुपये, कि लोग अगर 4-5 बारी भी इन आउट करें तो उनको तंगी नहीं होगी. तो आपको लगता है कि अगर आप इस रेट्स को कम करें तो पीपल कुड बी इंड्यूस्ड? नहीं यार, रेट ऑलरेडी मुझे नहीं लगता कि रेट ज़्यादा है. रेट ऑलरेडी सरकारी रेट जो हैं वो कम हैं. इसकी एक कॉन्ट्रैक्ट कमेटी होती है, जैसे जेडीए का आप ले लो तो जेडीए में कॉन्ट्रैक्ट कमेटी है जो अप्रूव करती है रेट, और रेट रीजनेबल है, रेट ज़्यादा नहीं. So this was the vice chairman. He has showed what are the plans of the department, and in days ahead his department will cater to the needs of the Jammu. Only time will tell where this department moves in helping the traffic crisis in Jammu.